अधिवेशन चल रहा है और संदीप जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ अनुभव है उनका, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। सर, जो अभी संशोधन हुए या जो फैसला हुआ, उनको किस रूप में देखते हैं? अच्छा है, अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। एक तो क्या है कि वर्किंग कमेटी के नंबर बढ़े, AICC के नंबर बढ़े, तो उससे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस की शीर्ष कमेटियों में आएंगे, उनका नाम आएगा, उनको लगेगा हम कांग्रेस से और अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, MP MLA की सीटें तो कुछ ही लोगों को आप दे सकते हैं, पर इससे क्या है, लोग जुड़ते हैं पार्टी से। और उसके अंदर में कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ ही लोग जो है काबिज हो जाते हैं और बार बार, तो एक तो क्या है कि एज का डाला गया, कुछ लोग एक एज से कम आएंगे और वो जब वो एज क्रॉस कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम से हट जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हर 10-15 साल में नया नेतृत्व जो है हमारी PCCs में, हमारी AICCs में, हमारी वर्किंग कमिटीज़ में आएगा। दूसरा जो ये दिया है कि सामाजिक रूप से, क्योंकि देश आज और अलग तरीके से अपने आप को देख रहा है, तो उस हर वर्ग के व्यक्ति को एक रिप्रेजेंटेशन पार्टी में मिलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है बड़े अच्छे कदम है जो पार्टी ने उठाए हैं। क्या इसको जब चुनाव का विषय आए, जब टिकट का विषय आए, तो क्या उस पर भी इम्प्लीकेबल करना चाहिए? नहीं, उसमें तो ऑलमोस्ट एक तरीके से है, क्योंकि काफ़ी हद तक रिजर्वेशन तो है। लेकिन पार्टी देखिए, इलेक्शन रिजर्वेशन में क्या होता, हर पार्टी अपने तरीके से जो अब उसके सामाजिक गठजोड़ हैं या जो उसके वर्गीय गठजोड़ है उसको देखकर और उसके अपने नेतृत्व को देखकर करती है। और उसमें क्या होता, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि स्थानीय स्तर पर कौन हमारे विनेबल कैंडिडेट्स हैं, किस तरीके का हम किस समुदाय या समाज को संदेश देना चाहते हैं, वो भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर उसको हम MP MLA लेवल पर डाल दें तो बहुत ज़्यादा जटिलताएं हो जाएंगी सिलेक्शन प्रोसेस में, मेरा ये कहना है। बाकी पार्टी क्या निर्णय लेती है वो पार्टी जाने। बहुत सारी आंतरिक चुनौतियां कई समयों पर आई हैं, आप भी कई बार उस पर ध्यान दिलाते रहे हैं, ये अधिवेशन क्या उन समस्याओं पर ज़रा सा भी ध्यान दे पाया है? देखते हैं। देखो, मुख्यतः हमारी मेन चीज़ें आती हैं जब हमारे सब्जेक्ट रेजोल्यूशन आते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इसमें जो चीज़ें हैं वो हमें पता चलेंगी। तो आज के रेजोल्यूशन की डिस्कशन के बाद जब राजनीतिक रेजोल्यूशन पास होगा या और रेजोल्यूशन पास होंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में जो आज की और आज से पहले की जो चुनौतियां हैं, जिसमें कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो हम पर बहुत ज़्यादा भारी भी हैं और सबको पता है, वो उन पर हम किस तरह नए सिरे से क्या हम काम कर पाएंगे। कुछ बातें ज़रूर दिख रही हैं, जैसे हम लोग जो ज़मीन पर आए भारत जोड़ो यात्रा में, उस जैसे प्रयासों को बढ़ाने की बात है, नए लोगों को पार्टी के नेतृत्व में जोड़ने की बात है, ये 2-4 चीज़ें तो स्पष्ट हुई हैं। इन रेजोल्यूशन से भी स्पष्ट हो जाएगा कि नीति के स्तर पर हम क्या बदलाव सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं ना, जो भी हम अभी तक तो देखिए, मेन सेशन शुरू कहाँ हुए, पार्टी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं और उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट रेजोल्यूशन वो मेन होते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए जो हमारा कार्यकारी जो 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 सेशन है वो अब शुरू हुआ है, इसलिए वेट करिए। अभी ये हम देखते हैं, आर्थिक देखते हैं, सामाजिक देखते हैं, कल किसानों का और युवाओं का देखते हैं, सामाजिक न्याय का देखते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हम चर्चा कर पाएंगे कि क्या हम लोग चेंज देख रहे हैं। CWC के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करना है, उनका इलेक्शन नहीं होगा, आपको लगता है ये बेहतर है या कि इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन होना बेहतर है, मेरे पर्सनल तो व्यू है कि इलेक्शन होना बेहतर है। देखिए, उससे क्या होता है कि जेन्युइन नेतृत्व भी निकलता है और लोगों की भागीदारी होती है नेतृत्व चुनने में, ठीक है। तो और ऐसे भी आज भी जो है 50% तो अध्यक्ष ही मनोनीत करता है, 50% का ही चुनाव होता है, तो वो अगर प्रोसेस रखते तो अच्छा होता। अब ये हमने वर्किंग कमेटी के मेंबर बढ़ाए हैं, नए सिरे से एक पिक्चर दी है वर्किंग कमेटी का, तो नए सिरे से भी इलेक्शन कर लें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संदीप दीक्षित, जो बता रहे थे कि जो अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन को लेकर उनका उनकी अपनी राय क्या है बतौर कार्यकर्ता, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन जो और महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अभी होने बचे हैं और उसके बाद समझ आएगा कि यह अधिवेशन आखिर कितना सार्थक हुआ है। या केवल दसूत रैपर। दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप दसूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।